अभी हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरीके से जनरली अल्काइल हैलाइड्स देते हैं और उसका मैकेनिज्म क्या है, ये देख लिया था। अब हम कौन कौन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड्स के होते हैं वो देखेंगे, तो समझने में थोड़ी आसानी होगी। जैसे कि अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल कैसे बनता है, तो अल्काइल हैलाइड पे जिसपे कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, जब एक OH आयन न्यूक्लियोफाइल के रूप में अप्रोच करता है तो हैलाइड आयन न्यूक्लियोफाइल के रूप में डिटैच हो जाता है और ROH बन जाता है जो कि है अल्कोहल। ये रिएक्शन एक्वस KOH के प्रेजेंस में होता है, जलीय KOH की प्रेजेंस में होता है, जिसमें RCl रिएक्ट करके ROH अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। इसी कैटेगरी में नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। तो साइनाइड अगर न्यूक्लियोफाइल है और वो अल्काइल हैलाइड को अप्रोच करता है तो हैलोजन आयन डिटैच हो जाता है और नाइट्राइल या अल्काइल साइनाइड बनता है। ये अल्कोहलिक केसियन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हीटिंग पर आगे बढ़ता है और अल्काइल साइनाइड, या जैसे मैंने रिएक्शन में इथाइल साइनाइड शो किया है, बन जाता है और KI का फॉर्मेशन उसके साथ साथ हो जाता है। साइनाइड्स के बारे में एक खास बात है कि अल्काइल साइनाइड्स को वर्सेटाइल कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि अगर आपके पास अल्काइल साइनाइड है तो आप उससे अमाइड बना सकते हैं, आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं और आप अमीन्स बना सकते हैं। इसलिए साइनाइड्स एक वर्सेटाइल टूल है इंडस्ट्री या केमिस्ट के हाथों में। अब अगर एक्वस इथेनॉलिक सॉल्यूशन है, यानी कि एक्वस वाटर की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल, दैट इज एक्वस इथेनॉलिक सॉल्यूशन है अगर, तो अल्काइल हैलाइड सिल्वर साइनाइड की प्रेजेंस में अल्काइल आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल दे देते हैं। अब अगर जैसे आप देखिए पहले वाले रिएक्शन में मैंने शो किया है, साइनाइड आयन में इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के पास भी है और नाइट्रोजन के पास भी है, तो इसलिए वो दोनों ही एटम्स ओपन है अटैचमेंट के लिए। इसलिए साइनाइड और आइसोसाइनाइड अलग अलग कंडीशंस में बनने की इक्वल संभावना है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स एंड नाइट्रेट। नाउ ईथर के फॉर्मेशन की रिएक्शन को कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब अल्काइल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है, यानी जैसे मैंने अपने रिएक्शन में इथाइल ब्रोमाइड को सोडियम इथोक्साइड के साथ ट्रीट करवाया है, तो ईथर बनता है। जैसे मेरे रिएक्शन में डाइथाइल ईथर बना है, इसी रिएक्शन को कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस फॉर ईथर्स। इसी में फर्दर जो सेकेंड सेट है रिएक्शन का, यानी फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स, तो उसमें अल्काइल हैलाइड जब सोडियम या पोटेशियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करती है तो अल्काइल नाइट्राइट बनता है, जो कि मैंने नीचे व्हाइट वाले बॉक्स में रिएक्शन में शो किया है अल्काइल नाइट्राइट का फॉर्मेशन हुआ है। अगर एक्वस इथेनॉलिक सॉल्यूशन है और अल्काइल हैलाइड रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्राइट के साथ, तो नाइट्रो एल्केन बनेगा। अल्काइल नाइट्रेट की प्रेजेंस, अल्काइल नाइट्रेट की जगह नाइट्रो एल्केन बन रहा है, दिस इज ऑल्सो द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट। अब आप ये देखिए कि नाइट्राइट का मतलब हो गया अल्काइल ग्रुप इज अटैच टू ऑक्सीजन, और नाइट्रो एल्केन का मतलब हो गया अल्काइल ग्रुप इज अटैच टू नाइट्रोजन।